देखिए यह है मशीन और ये जाम चल रही है तो यहाँ पे इसको हम चलाते हैं ये देखिए ये चलकर कैसे पता चलेगा कि मशीन जाम चल रही है मशीन को ऐसे चलाना है ये देखिए ये चल के ये अचानक से रुक जाती है ये चल के अचानक से ये व्हील रुक जाती थी ये इसके मतलब ये इसमें जाम का प्रॉब्लम है और यहाँ से ये एक उंगली से ऐसे चलाएंगे तो भी आपको पता चलेगा हाँ भाई ये तो मशीन जाम है ये देखिए ऐसे जब आप चलाएंगे, तो यहाँ देखिए ये यह फ्री है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये यह, ये यह, यहाँ पे ये यह जाम है यहाँ देखिए ये यह जाम है और यह है दूसरा तरीका और यहाँ पे ऐसे ये देखिए अचानक से ये रुक जाती है तो इससे भी आपको पता कर लेना है कि ये इस मशीन में जाम का प्रॉब्लम है भाई आपकी मशीन जाम चलती होगी यही आपका तरीका है इससे आप पता कर सकते हैं यही तरीका है एक तो ऐसे पता कर सकते हैं और दूसरा ऐसे अचानक से रुक जाती व्हील इसके मतलब आपकी मशीन जाम है तो देखिए कैसे सही करते हैं कैसे बनाते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पे मशीन को करना है ऐसे इस जाम को सही करने के लिए और ये जो सेटल है सेटल में देखना होता है यहाँ पे कहीं धागा तो नहीं फंसा हुआ है तो आप लोग बोलेंगे भाई इसमें धागा भी नहीं फंसा है अब हम क्या करेंगे इसके बाद हमको कैसे पता चलेगा तो यहाँ पर देखिए मशीन को ऐसे चलाना है और ये जो सेटल ऐसे चेक करना है यहाँ पर देखिए ऐसी है इसमें ये प्ले बता रहा है ये सही है इसका मतलब यहाँ से जाम नहीं है फिर से मशीन को चलाना है और यहाँ से ऐसे चेक करना है ये अभी भी सही है फिर मशीन को चलाते हैं ऐसे देखते हैं अभी भी ये सही है ऐसे यानी कि ये या सेटल से जाम नहीं है आपने यहाँ से पता कर लिया इसके बाद ये जो पार्ट्स है यहाँ से ऐसे हिलाना है इसमें भी प्ले है यानी कि यहाँ से भी जाम नहीं है इसको देखते हैं यहाँ से भी जाम नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसमें पल्ले बता रहा फिर देखिए ये जो काम है बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता है बहुत सारे लोग वीडियो तो बनाते हैं लेकिन इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते हैं। इतना अच्छे से विस्तार से जानकारी नहीं देते हैं सबसे पहले हम आपको हर एक वीडियो में अच्छे से बताते हैं सिखाते हैं बिल्कुल यहाँ तो देख लिया अब आपको यहाँ से ये जो संतरे यहाँ से देखना है कहीं ये यहाँ से जाम तो नहीं है तो ऐसे इसको हिलाना है यहाँ पे ऐसे आगे पीछे तो यहाँ देखिए इसमें ये पल्ले बता रहे हैं यानी कि ये यहाँ से जाम नहीं है फिर से मशीन को ऐसे चलाना है और यहाँ से ऐसे देखना है यहाँ भी पले है फिर से चलाना है फिर से ऐसे चलें यानी कि यहाँ पर देखिए ये पले इसमें बता रहे यानी कि ये यहाँ से जाम नहीं है अब हम आते हैं यहाँ पे इस चिमटे से तो यहाँ पर देखिए चिमटे में भी ये पले है ऑलरेडी ये पले है फिर ये इसको चलाते हैं यहाँ से हम देखते हैं इसमें भी ये पले यानी कि ये यहाँ से जाम नहीं है अब हम आते हैं यहाँ पर इस व्हील में इस व्हील में देखना है इसमें कहीं धागा तो नहीं फंसा है भाई तो यहां पे हम देख लेते हैं इसमें तो हमको ऐसा लगता है कि इसमें धागा फंसा हुआ है तो हम क्या करेंगे नीडल को लेंगे और यहां से ऐसे इसको निकालेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये थोड़ा सा हमको लगता है कि ये इसमें धागा फंसा हुआ है ये देखिए ये धागा फंसा हुआ है फिर इसको हम बारीक वाला स्क्रू ड्राइवर लेंगे और यहाँ से इसको ऐसे निकालेंगे कभी कभी क्या होता है आप व्हील में देख लेते हैं यहाँ पे इस चक्के में व्हील वूस में यहाँ से धागा फंसा होता है तब तो निकाल लेते हैं लेकिन यहाँ से नहीं होता है जैसे नीचे हमने पार्ट्स से बताया यहाँ से यहाँ से कभी जाम होता है यहाँ से जाम होता है यहाँ से जाम होता है यहाँ से होता है जाम यहाँ से होता है अगर यहाँ से होता है तो ये हम बताएंगे ये कैसे सही करना है ठीक फ़िलहाल अभी तो हम देखते हैं यहाँ से इसमें धागा फंसा हुआ तो इसको हम निकालते हैं ये देखिए ये आपका थोड़ा सा फंसा हुआ था ये निकल गया ये देखिए ये छोटा वाला स्क्रू ड्राइवर से ऐसे निकाल लेना अब इसको हम चलाते हैं तो ये देखिए अभी आपका हल्की हो रही है अगर आपको यहाँ से भी नहीं पता चलता यहाँ से आपने धागा भी निकाल लिया फिर भी ये जाम चले तो यहाँ से आपको देखना होता है यहाँ पे इसके अंदर इस फेस पलेट को खोलना है और यहाँ से देखना है लेकिन यहाँ पे ये यह धागा फंसा है तो यहीं से ये यह आपका हो गया यहाँ आप देखिए अभी इसको चला रहे हैं अब देखिए ये जाम चल रही है अचानक से ये रुक जा रही है यानी कि ऐसा लगता है हमको कि इसके अंदर धागा और फंसा हुआ है अब देखिए इसको हम कैसे निकालते हैं इसको हम ये जो छोटा वाला स्क्रो ड्राइवर है इसके हेल्प से इसे या फिर ये जो नीडल है नीडल से ऐसे निकालिए आपका ऐसे नीडल से भी नहीं निकल रहा है इसके बाद हम क्या करेंगे ये जो व्हील है इस पर हम दो तीन बार हथौड़ी से इस पर चोट मारेंगे देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे इसमें क्या होता है अगर ये धागा फंस जाता है तो इसमें ये पले ऐसे नहीं रहता है इस तरह से आगे पीछे हम कर रहे हैं तो ये पले इसमें नहीं बताता है तो इसमें आपको क्या करना है अगर आपके पास मोटर है तो इसमें आप आयल छोड़िए लेकिन उससे पहले आपको हल्का सा थोड़ी सी इस पर मारना पड़ेगा तो मारते हैं यहाँ पे यार देखिए यहाँ देखिए ये आपका थोड़ी मारा हल्का सा इसमें पले आ गया और इस तरह से इस पर मारे यहाँ देखिए ये इसमें हल्का सा पले आ गया अब हम नीडल से ऐसे निकालेंगे इसमें यहाँ से यहाँ देखिए ये निकल रहे हैं तरीका एक और है लेकिन ये उनके लिए जो लेडीज लोग हैं उन लोगों को ऐसे निकालना है देखिए ये निकल गए अब हम क्या करेंगे इसमें मशीन का छोड़ेंगे मशीन का आयल छोड़ना है और इसको पौधा से दस मिनट तक घड़ी के टाइम से दस मिनट तक इसको चलाना है मोटर है तो मोटर से पाँच मिनट इसको चला देना है और एक एमरी आता है एमरी नहीं एक बरासू आता है इस टाइप का और ये बरासो भी इसमें लगा देते हैं तो ये जो धागा है ये कट के निकल जाएगा देखिए थोड़ा सा इसमें हम लगा देते हैं यहाँ देखिए हमने लगा दिया इसको तो हम हाथ से ही रवा करेंगे लेकिन आपको क्या करना है इसको पौधान से मोटर है तो मोटर से पाँच मिनट चला लीजिए और इसके अंदर जो धागा है वो कट के थोड़ा थोड़ा कट कट के वो निकल जाएगा और इसको ऐसे चला देना है तो यहाँ देखिए ये आपका ये निकल रहा है देखिए अब हम इसको निडिल से निकालते हैं यहाँ पे आपको अच्छे से नहीं दिखता होगा यहां यहाँ देखिए यहां पे हमने इसमें बरासो लगाया उसके बाद इसको थोड़ा सा नवा किया तो यहाँ देखिए अभी ये थोड़ा थोड़ा करके ऐसे निकलेगा ये सारा इसके अंदर जितना भी थोड़ा बहुत धागा फंसा रहेगा ये निकल जाएगा ये देखिए इस तरह से ये निकल ये ये। से रहा है आप देखिए ये इसको हम हाथ से चला रहे हैं लेकिन आपको पौधा से चलाना है और या फिर मोटर है तो मोटर से पाँच मिनट और इसमें आयल छोड़ देना है और इसको चला देना है लेकिन इसको रवा करने के लिए हल्के करने के लिए ये इस टाइप का एक बरासो आपको चाहिए इसके हेल्प से इस मशीन को आप हल्की कर सकते हैं तो आप लोगों ने तरीका देख लिया और कैसे सही करते हैं हमने ये भी बता दिया तो इस तरह से आप लोग बहुत आसान तरीके से सही कर सकते हैं बना सकते हैं ठीक है दोस्तों अब हम इस मशीन को चलाते हैं तो ये जाम चलेगी हम इसको पौधान पर रवा कर देंगे मोटर से रवा कर देंगे ये हल्की हो जाएगी तो ये जानकारी अगर आपको अच्छा लगता है समझ में आता है कुछ सीखने को मिला है कुछ जानकारी मिला हो तो वीडियो को लाइक करिए जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ठीक है दोस्तों